अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ जी कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी परफेक्ट बॉयल्ड राइस की रेसिपी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और जिनके भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू बॉयल्ड राइस, क्योंकि राइस जो है वो अच्छे तरीके से परफेक्टली कुक नहीं होते, वो आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 4 ग्लास चावल के, या जितने भी आप घर में बनाते हैं उतनी क्वांटिटी में आपने चावल लेने हैं। उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, चुन लेना है। उसके बाद आपने इस तरीके से सादे टैप वाटर के साथ उनको वॉश कर लेना है। 2 से 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है ताकि चावलों के अंदर से जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए और चावल अच्छे तरीके से वॉश हो जाए, धुल जाए। और इस तरीके से आपने करना है और उसके बाद पानी स्ट्रेन कर लेना है। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर दोबारा से थोड़ा पानी डाल के और इसको भिगो के रख देना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो 30 मिनट के लिए इसको भिगो के रखें कम से कम, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसको भिगो के लाजमी रखें। और 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने एक पतीला लेना है जिसके अंदर आप चावल बॉयल करते हैं या राइस बनाते हैं, उसके अंदर आपने खुला पानी डाल देना है, ठीक है ना। तो पानी डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और पानी को बॉयल होने के लिए आपने रख देना है दरमियानी आंच के ऊपर। और जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। 4 ग्लास मैंने चावल लिए हैं तो मैं 4 चम्मच इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, ठीक है। 1 ग्लास चावल है तो 1 चम्मच नमक आपने डालना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का और 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा मैंने डाला है नॉर्मल। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देना है जी चावल। चावल आपने सारे डाल लेने हैं इसके अंदर। और चावल डालने के बाद आपने आँच जो है वो दरमियानी ही रखनी है। चावल डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी आप जब चावल बॉईल कर रहे होते हैं तो आपने इसके दरमियान से चम्मच नहीं चलाना, आपने हमेशा साइड से जिस तरीके से मैं चला रही हूँ इसी तरीके से आपने डालना है, तभी आपके चावल जो हैं वो अच्छे पकते हैं, खिले खिले पकते हैं और टूटते नहीं हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद यहाँ पर जो झाग इकट्ठी होती है चावलों के ऊपर, ये आपने इकट्ठी करती रहना है एक अंदर प्लेट के अंदर और इसको साइड पर कर देना है, ठीक है ना। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चावल पक रहे हैं तो मीन वाइल वक्तन फवक्तन आपने यहाँ पे चेक करते रहना है थोड़ा थोड़ा आपने, कि ये कच्चे तो नहीं हैं, पके तो नहीं हैं, ये कितने कुक हो चुके हैं। तो जिस तरीके से मैं चेक करती हूँ बिल्कुल मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे चावलों में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था तो मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको दोबारा से चेक कर रही हूँ तो ये चावल जो है ये परफेक्टली हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं, लेकिन ये 80% कुक हुए हैं, ठीक है ना। जब भी आप बिरयानी के लिए राइस कुक करते हैं तब आपने उसको 75% कुक करना होता है, और जब आप बॉयल्ड राइस बना रहे होते हैं तब आपने उसको तकरीबन 80% कुक करना होता है। उसके बाद आपने इसमें से पानी निकाल देना होता है। ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया है, और स्ट्रेन करने के बाद आपने चावलों को अच्छे तरीके से फैला देना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और फैलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जनाब जी शामिल करना है ऑयल, ठीक है। सो ऑयल आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून इस तरीके से फैला के जिस तरीके से मैं फैला के डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं किनारों से चम्मच जो है वो चला रही हूँ, मैं बीच से चम्मच नहीं चला रही हूँ, तो इसी तरीके से आपने भी करना है। तो यहाँ पे जो है चावलों को मैंने मिक्स करके उसके ऊपर ऑयल डाल के उनको कवर करके रख दिया है। 5 मिनट के लिए मैंने दम दिया था लो आँच पर, बिल्कुल तवे के ऊपर मैंने रखा है ये देगचा। और इसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है, ढक्कन उठा लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ भी आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आपके मज़ेदार से परफेक्टली हमारे राइस जो हैं ये कुक हो चुके हैं, गले भी नहीं हैं और बिल्कुल परफेक्टली ये बन चुके हैं। सो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी यकीनन उनकी क्वेरी सारी मैंने हल कर दी होंगी, सारी पूरी कर दी होंगी। आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।